एवरीवन, दिस इज मीना शर्मा, योर आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर। आज की क्लास में हम करने वाले हैं बबल रैप इम्प्रेशन पेंटिंग, जिसमें हम कुछ भी पेंसिल से ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम अपनी इम्प्रेशन पेंटिंग कर रहे हैं। और बबल रैप आपको बहुत ही चीज़ों में मिल जाता है, बबल रैप पॉलीथीन जो आती है, जैसे कि हम कोई भी डेलिकेट सामान मंगाते हैं तो वो पैकिंग में हमारे पास मिल जाती है बबल रैप। तो आप उसके थ्रू एक ब्यूटीफुल सी पेंटिंग क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी ड्रॉइंग, और छोटे बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्टिविटी। बबल रैप पेंटिंग करने के लिए हमें यहाँ पे मैंने ब्लैक शीट ली है और एक सेम साइज़ का बबल रैप। आप देख रहे हो इस तरह से बबल रैप की पॉलीथीन हमारे पास मिलती है। कई बार हम जो पैकिंग करा के कुछ सामान आता है उसमें मिल जाती है इस तरह की पॉलीथीन। तो हम इसके थ्रू आज एक पेंटिंग करने वाले हैं। तो इसका यूज़ हम किस तरीके से करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सेम साइज़ का ब्लैक पेपर ले रही हूँ, दोनों मैंने सेम साइज़ के रखे हैं। इसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी पेंटिंग करने वाली हूँ। तो जो मेरा पॉलीथीन है उसका जो बबल वाला पोर्शन है मैंने ऊपर की तरफ रखा है, और इस पर मैं अपना कलर लगाकर अपनी शीट पे इम्प्रेशंस दूँगी। तो यहाँ मैं एक सीन बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ सबसे पहले येल्लो कलर ले रही हूँ। देखिए येलो कलर लिया है और उससे मैं यहाँ पे एक स्मॉल सर्कल बना रही हूँ। देन और इसका इम्प्रेशन लेंगे हम सबसे पहले, और इसको जहाँ हमें प्लेस करना है उस जगह रखेंगे और हल्के से लाइट हैंड से प्रेस करेंगे। तो ये हमारी सेम साइज़ शीट है, तो मैं इस पर इस तरीके से रखूँगी और इसको लाइट हैंड से प्रेस करूँगी इस तरीके से। देखिए हमारे सर्कल्स के इम्प्रेशन आ गए हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अनदर कलर। नेक्स्ट कलर मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ ऑरेंज कलर। नेक्स्ट ऑरेंज कलर लिया मैंने और अपने येलो सर्कल के साइड में एक और रिंग बनानी है हमें ऑरेंज के साथ। कलर अच्छे से लगाएंगे जिससे बहुत ब्यूटीफुल से इम्प्रेशन आए। ड्राई कलर होगा तो उसके इम्प्रेशन अच्छे से नहीं आएंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर का रिंग बना दिया है। अब उसको हम सेम स्पेस पे प्लेस करेंगे फिर से इस तरीके से। उसी येलो सर्कल पे मैंने रखा है अपना, और उसको ऑरेंज वाले को हम प्रेस करेंगे। ये ऑरेंज कलर का इम्प्रेशन आ गया, बबल रैप इम्प्रेशन भी बोल सकते हैं हम इसको, ओके। नेक्स्ट कलर मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्काई ब्लू। एक और रिंग बना रहे हैं हम इसमें स्काई ब्लू के कलर के साथ। थोड़ी सी ब्रॉड बनाएंगे पहले वाले से। बहुत अच्छे से कलर लगा रही हूँ, और अब मैं यहाँ पे इसको अगेन सेम वे में प्रेस करूँगी। देखिए सेम उसी मार्क पे कर रही हूँ मैं, बिल्कुल लगा रही हूँ इसको। देखिए मेरी शीट वही है बिल्कुल इक्वल, और इस पर मैं अब स्काई कलर पर ही प्रेस कर रही हूँ। तो अब आप देखिए कितने ब्यूटीफुल रिंग्स आ रहे हैं, कितनी ब्यूटीफुल शेडिंग्स बन रही है हमारे यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पर इसको ब्लू कलर दूंगी, ओके। एक नाइट सीन बना रहे हैं हम यहाँ पे, तो
ब्लू कलर के लिए मैं इस पूरे पर ब्लू कलर लगा लेंगे। एक्रेलिक कलर्स यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे अपनी पेंटिंग के लिए, क्योंकि थोड़े से थिक कलर होते हैं। वाटर कलर की बजाय एक्रेलिक कलर के इम्प्रेशंस ज़्यादा अच्छे आते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे एक्रेलिक कलर्स यूज़ कर रही हूँ। इतना पोर्शन कर रही हूँ मैं इसमें। इस तरह से मैंने सारे पे कलर लगा लिया है और अभी आप चाहें तो इस पे स्काई ब्लू के स्ट्रोक्स भी, जो मेरे पास स्काई ब्लू कलर बचा था उसके भी स्ट्रोक्स कहीं कहीं पर दे देती हूँ, एक रिंग जैसी इस तरह से, जिससे उसके इफेक्ट भी हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए हम डायरेक्ट ब्रश से काम कर रहे हैं, आज कोई ड्राइंग नहीं कर रहे हैं, सीधा कलर के साथ और बबल रैप के साथ इम्प्रेशन पेंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ब्लू कलर लिया है और उसको फिर से हम लगा रहे हैं और बहुत केयरफुली इसको यूज़ करेंगे। आप उसको साइड से लीजिए, आप चाहे तो कॉर्नर इधर वाले कॉर्नर को ना भी पेस्ट करें, प्रेस करें, बस इधर हम डार्क ब्लू साइड ही प्रेस कर रहे हैं। पूरा अच्छे से मैंने इसको देखो अपने इम्प्रेशंस ले लिए हैं सभी तरफ से, और ये हमारा ब्लू कलर का इफेक्ट भी आ गया। देखिए कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल इम्प्रेशन ले रहा है ये। ओके, अब हम बनाएंगे इसमें अपना ग्रीन एरिया। इसी शीट को यूज़ कर रहे हैं हम, देखिए एक ही शीट से हम कितने ब्यूटीफुल इम्प्रेशंस ले पा रहे हैं। यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ लाइट ग्रीन ले रही हूँ, ये हो गया हमारा लाइट ग्रीन का वर्क। और अब हम इसमें थोड़ा सा डार्क कलर, डार्क ग्रीन भी यूज़ करेंगे और इसी ब्रश से सेम ब्रश यूज़ कर रही हूँ, और मैं डार्क ग्रीन यहाँ पे लगा रही हूँ। देखिए, और इसको हल्का सा ऊपर की तरफ भी इफेक्ट दे रही हूँ। ओके, और अब हम इसके भी इम्प्रेशन लेंगे। और चाहे हम ऊपर वाला एरिया ना भी लगाएं पेपर पे, और सिर्फ नीचे वाले एरिया को, पेपर को हम इस पे लगाएंगे और अच्छे से प्रेस करेंगे। और इसके भी इम्प्रेशंस हम ले लेते हैं। देखिए, मैंने ब्लू का एरिया छोड़ के उसके अलावा जितना भी पोर्शन था उसको यूज़ कर लिया। ठीक है, ये देखिए तब ब्यूटीफुल इम्प्रेशंस आए हैं हमारे इस पे। और अब हम इस पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, या फिर हट बना सकते हैं, या ट्रीज़ दे सकते हैं, जो नाइट सीन में हम दूर से जो विजिबल नहीं हो पाते, तो थोड़ा सा हमें उसकी एक शेडो बनानी है सिर्फ इसमें। तो आप डायरेक्ट इस पे किसी भी पेपर से कटिंग करके और उसको पेस्ट भी कर सकते हो और उसकी इम्प्रेशंस भी ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक स्टेंसिल बना रही हूँ, एक मैंने पेपर लिया है और उसको डायरेक्ट कट करके इस तरह से ट्री वाली शेप देंगे, जिस तरह से आप क्रिसमस ट्री बनाते हैं ना,
इस तरह से हम एक ट्री का इफेक्ट देंगे, एक स्टेंसिल बनाएंगे। देखिए मैंने कैसे ड्रॉ किया है, और इसको मैं अब कट कर लूँगी। ये मैंने बीच का पोर्शन निकाल दिया है इसका, तो ये हम एक ट्री की शेप ले लिए और इसके थ्रू हम इम्प्रेशन ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ मैं वाइट के इम्प्रेशन ले रही हूँ क्योंकि हमारी बेस शीट ब्लैक है। तो विंटर नाइट में हमें किस तरह से इफेक्ट्स दिखते हैं, उसकी वाइट इफेक्ट दिखेंगे। तो मैं यहाँ वाइट कलर ले रही हूँ अपना एक्रेलिक, और उसके साथ ही इम्प्रेशन दे रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट ब्रश से फिल कर सकते हैं, स्पंज से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्पंज ले रही हूँ, मैंने स्पंज में वाइट कलर लिया है इस तरह से, और इसको इसके इम्प्रेशंस ले रही हूँ। तो आज हमारी बेसिकली इम्प्रेशन पेंटिंग है। इसको मैंने अपना ट्री को फिल कर लिया डायरेक्ट स्टेंसिल से। ये देखिए इतना ब्यूटीफुल ट्री बना है हमारा। इसी तरह से मैं 2-3 ट्रीज यहाँ पे बना रही हूँ। जो नेक्स्ट होगा वो इससे और थोड़ा सा आगे बना रही हूँ। ये देखिए, ओके। और एक मैं यहाँ पे बना देती हूँ थोड़ा सा बैक में, ब्लू के साथ भी उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये विंटर नाइट सीन बनाया हमने आज। ओके, तो इस तरह से जिसमें हमने कोई ड्राइंग नहीं की, सिर्फ इम्प्रेशंस के साथ, ये जरा सा हमारा स्टेंसिल मूव हो गया इसलिए उसका इम्प्रेशन यहाँ पे आ गया है, बट इट लुक्स ओके। ओके डन। तो इस तरह से एक ब्यूटीफुल सीन क्रिएट किया है हमने सिर्फ इम्प्रेशंस के साथ। बबल रैप इम्प्रेशंस लिए हमने आज, कोई ड्राइंग नहीं किया। तो इस तरह से भी आप एक ब्यूटीफुल सा सीन क्रिएट कर सकते हैं अपने इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग, अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग आप कुछ भी बना सकते हैं। ओके, तो आप भी इस तरह से एक एक्टिविटी को ट्राई कीजिए, और आई होप सभी को पसंद आया होगा, सभी ट्राई भी करेंगे इसको। ओके, थैंक यू।